कौन मिला रहा है गांव की इज्जत मिट्टी में? ये आग तोहार घर की रसोई से निकल रही है। दोस्तों, घरेलू प्यार वेब सीरीज एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है जिसे कुकु द्वारा निर्मित किया गया है। सीरीज की कहानी एक लड़की के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल लड़की का परिवार लड़की को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और लड़की को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करता है। और दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वेब सीरीज के आगे की स्टोरी। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम सरिता होता है, जो अपने काका और अपनी मम्मी के साथ रहती है क्योंकि उसके पापा पहले ही देहांत हो चुका था। सरिता दिन में तो अच्छी लड़की है, लेकिन रात को वो बिगड़ जाती है। जैसे ही उसकी मम्मी और काका सो जाते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर चली जाती है, जो कि उसका खंडर में इंतजार करता है। और थोड़ी देर बाद इंजॉय करने के बाद जब वो वापस आती है और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाती है और एक दो घंटे बाद वो फिर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है और उसके साथ ही वो मजे भी लेकर घर वापस आ जाती है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और फिर एक दिन उसको उसके काका का दोस्त रात को बाहर निकलते हुए मिलते हुए देख लेता है। वह उसे रात को तो कुछ नहीं कहता, वह सुबह आकर सरिता के काका को बताने ही वाला होता है कि उससे पहले ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर दूसरा एपिसोड में दिखाया जाता है कि सरिता का काका खेत में काम कर रहा होता है और जिसने सरिता को रात में बाहर जाते हुए देखा था वो आके सरिता के काका को उसके बारे में बताता है। लेकिन सरिता का काका उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसके काका और उसके दोस्त की थोड़ी बहस हो जाती है और फिर उसके काका का दोस्त उसको बोलता है कि चलो तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी भतीजी से जाकर पूछ लो। और जब उसकी भतीजी से उसका काका पूछता है तो सरिता पहले मना कर देती है, फिर उसके हाव भाव देख कर उसके काका समझ जाते हैं कि इसने जरूर कुछ गलत किया है। फिर उसके बाद काका और जिसने उसे रात को देखा था वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर चले जाते हैं उस लड़के को ढूंढने के लिए। वह लड़का एक जगह बैठकर लड़की को छेड़ रहा होता है और फिर उसके काका और उसका दोस्त उस लड़के को पकड़कर ले आते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और फिर उसको मारकर अपने घर पर ले आते हैं। घर पर मारने के बाद उसको बांध के रखते हैं और फिर ये बाहर आकर डिस्कस करते हैं कि अब इसके साथ क्या किया जाए। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। और फिर वह दिन गुजर जाता है और फिर रात के वक्त सरिता फिर अपने पहले बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके साथ इंजॉय करती है। और फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि मैं टेंशन में हूँ और मेरे चाचा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाने वाले हैं किसी और के साथ। जहाँ उस पहले बॉयफ्रेंड जो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इस वेब सीरीज की स्टोरी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज की आगे की स्टोरी आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट में देखने को मिलेगी कि आखिर सरिता के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वेब सीरीज का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ये क्लिक कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।